नमस्ते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें संगीत से संबंधित कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जानना होगा और उनकी परिभाषाएं जाननी होंगी, जिससे आपको कई चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं संगीत से। सब संगीत तो सीखना चाहते हैं, पर क्या सबको ये मालूम है कि संगीत कहते किसे हैं? स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसे संगीत कहते हैं। आप सीख लीजिए, गा लीजिए, नृत्य कर लीजिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन सब का समावेश संगीत बनाता है। संगीत को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक शास्त्रीय संगीत और एक भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत में हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, लय ताल का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा राग है, उसमें कौन से स्वर हैं, उसका चलन क्या है, ये सारी चीज़ें शास्त्रीय संगीत को बनाती हैं। दूसरी तरफ भाव संगीत में कोई भी बंधन नहीं होता, ना ही कोई नियमित शास्त्र होता है। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गानों को अच्छा लगना होता है। हमारा जो बॉलीवुड संगीत जगत है, वो उसको हम भाव संगीत की श्रेणी में डाल सकते हैं। हालांकि हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में शास्त्रीय संगीत का सहारा लिया जाता है, जिससे उसमें उस गाने में बहुत ज़्यादा सुंदरता आ जाती है। अब बात करते हैं सप्तक की। सात शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी को सप्तक कहा गया है। अब जानते हैं कि सप्तक होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य सप्तक की, मिड ऑक्टेव की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी सप्तक में गाया जाता है। इसीलिए इस सप्तक में आप अपने स्केल को अच्छी तरीके से गाकर पहचान सकते हैं। मध्य सप्तक में स्वरों पर इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, जैसा कि ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। शुद्ध स्वरों में कोई भी चिन्ह नहीं लगता, कोमल और तीव्र स्वरों में एक चिन्ह लगाए जाते हैं। वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि अगर कोई भी कोमल स्वर होगा तो उसके नीचे लाइन खींची जाती है, जिससे उसके कोमल होने के बारे में पता चलता है। तीव्र केवल मा ही होता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मा तीव्र होने पर उसके ऊपर एक खड़ी लाइन खींची जाती है। मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव। मध्य सप्तक से पहले का जो सप्तक होता है उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। इसमें भी 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत, मतलब कोमल और तीव्र मिलाकर पूरे 12 स्वर। अब इस सप्तक की कितनी महत्वता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस सप्तक में सबसे इम्पॉर्टेंट खरज का रियाज किया जाता है, और खरज के रियाज के बारे में मैं आपको इस लेसन में अच्छे से बताऊंगी। हालांकि पहले ही खरज का रियाज रियाज टीवी पर डाल दिया गया है। मंद्र सप्तक में चिन्ह बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे हमने मध्य सप्तक में लगाए थे। ये चिन्ह इसलिए बनाए गए हैं जिससे आपको पता लग सके कि ये स्वर किस सप्तक में गाए जा रहे हैं। मंद्र सप्तक के जो चिन्ह होते हैं उसमें स्वर के ठीक नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, चाहे वो कोमल हो चाहे वो शुद्ध हो। अगला सप्तक है तार सप्तक। मध्य सप्तक के ठीक बाद का सप्तक तार सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक के नी के बाद जो सा आता है, वहाँ से तार सप्तक शुरू होता है। इसमें भी 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं, यानी कोमल और तीव्र सब मिलाकर 12 स्वर। तार सप्तक में भी वही रूल है जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बताया है कि मंद्र में अगर नीचे बिंदु लगाते हैं, मध्य में कोई बिंदु नहीं लगता, सिर्फ रेगा धानी स्वर कोमल होते हैं, मा तीव्र होता है, ठीक वैसे ही तार सप्तक में बिंदु ऊपर लगाया जाता है। अब बात करते हैं सप्तक के 12 स्वरों की। शुद्ध 7 स्वर और 5 विकृत स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। इसको हम इस तरह से सरलता से सीख सकते हैं कि पहले हम वो 7 शुद्ध स्वर लिखें, उसके बाद हम जो हमारे कोमल स्वर हैं, जो हमारे तीव्र स्वर हैं, उनको हम इसमें लिखें, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि 12 स्वर हमारे मिलाकर कैसे हुए हैं। सप्तक में कोमल और तीव्र स्वर क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। शुद्ध मतलब कोई लाइन नहीं, कोमल मतलब नीचे सीधी लाइन, और तीव्र मतलब ऊपर खड़ी लाइन।
जो भी शुद्ध स्वर होगा उससे नीचे उतरने पर वह कोमल हो जाएगा। जैसे रे अगर हम गाते हैं उससे एक नीचे उतरेंगे तो रे कोमल हो जाएगा, और जब मूल स्वर से ऊपर बढ़ते हैं तो तीव्र हो जाता है। तीव्र सिर्फ माँ होता है। माँ अगर शुद्ध है उससे एक ऊपर बढ़े तो वो तीव्र हो जाएगा। यह क्रिया सा पा सा पर बिल्कुल लागू नहीं होती क्योंकि ये अचल स्वर है, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तीव्र सिर्फ एक ही होता है माँ। इस तरह इन्हीं सब स्वरों पर कई रागों का निर्माण होता है। रियाज के शुरुआती दौर में खरज का रियाज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि खरज का रियाज सारे सप्तकों में होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खरज का मतलब होता है लो नोट्स का रियाज, मतलब मंद्र सप्तक का रियाज। खरज का रियाज मंद्र सप्तक में होने की वजह से सुरों में, गले में ठहराव आता है। बेस नोट्स आपके बहुत क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक सांस खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। स्वर आपके शानदार, क्लियर, स्ट्रांग, सस्टेनेबल हो जाते हैं। इस रियाज को करने से वोकल मसल बहुत स्ट्रांग होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप जिम जाएंगे और अपना कसरत करेंगे तो आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग होती हैं, तो सेम गोज टू वोकल मसल। वोकल मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे आपके गायन में उतनी ही सुंदरता आती जाएगी और आप गाने को और भी अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। और जब आप गाने को अच्छे से निभाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि कितना मधुर आप गा रहे हैं और आपकी प्रस्तुति बेहद शानदार हो जाएगी। खरज रियाज के बारे में लोगों ने मुझसे ये कहा कि उनके गले में दर्द महसूस होता है। तो खरज रियाज करने के बाद गले में दर्द महसूस होने का कारण सिर्फ ये हो सकता है कि या तो आपने खरज का रियाज नया नया शुरू किया है, या फिर आपने एक साथ ज़्यादा कर लिया है, या फिर आप रोज़ रियाज नहीं करते। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, जब आप खरज का रियाज शुरू करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ें। जैसे सिर्फ सा गाएं, या फिर सा नी गाएं, या फिर सा नी धा गाएं। सा से सा तक का रियाज एकदम से बिल्कुल ना शुरू करें। इसीलिए हमने खरज के रियाज में काफ़ी स्टेप्स दिए हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। अब बात करते हैं अलंकार की। अलंकार के लेसन्स ऑलरेडी आप लोग को दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अलंकार के बारे में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ। अलंकार में स्वरों का एक चलन बनाया जाता है और उसे गाया जाता है। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैम पलटों का वीडियो डालिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अलंकार ही पलटा कहलाते हैं। रोज़ अलंकारों का अभ्यास करने से आपका गला हर स्वर को आगे पीछे गाने में, फास्ट गाने में, हरकतें मुर्कियाँ लेने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे अलंकार गाते हैं वैसे ही बजाकर प्रैक्टिस करने से, जितनी स्पीड में आप अलंकारों को बजाने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी उंगलियाँ उस वाद्ययंत्र पर घूमने योग्य बन जाएंगी। इसके अभ्यास से सुरों को पहचानने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ उनका सही और सटीक तरीके से रियाज करने पर ही आपके गायन में बदलाव आएगा। जितने भी अलंकार रियाज टीवी पर दिए गए हैं उनका मन लगाकर सही से सोच समझकर रियाज करें। अब बात करते हैं थाट की। थाट स्वरों की एक ऐसी रचना होती है जिससे रागों का निर्माण होता है। थाट में हमेशा सात स्वर होते हैं। वह सात स्वर सारे गामा पाधानी हैं और इन्हीं स्वरों में कोमल और तीव्र के कॉम्बिनेशन से थाटों का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे किसी एक थाट में सात स्वर शुद्ध हैं तो किसी दूसरे थाट में गाधानी कोमल तो बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे, तो किसी तीसरे थाट में मा तीव्र बाकी सभी स्वर शुद्ध होंगे। तो इस तरह से थाट के स्वर बनाए जाते हैं और उन्हीं से राग। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों को उत्पन्न करने वाले 10 थाट हैं। अगर आप इन 10 थाट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए आगे राग सीखते समय काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे जब आप राग सीख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं 10 थाटों पर सभी राग आधारित हैं,
तो इनको अच्छे से समझिए, उनका अभ्यास कीजिए और अपनी संगीत की नॉलेज को मजबूत बनाइए। तो जान लेते हैं ये थाट हैं कौन से। सबसे पहला थाट है बिलावल। बिलावल में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है कल्याण, जिसमें मातीव्र और बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। खमाज, जिसमें नी कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। आसावरी, ग ध नी कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। काफी, इसमें गा और नी स्वर कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। भैरवी, रे ग ध नी स्वर कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। भैरव, इसमें रे और धा कोमल, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। मारवा, इसमें रे कोमल और मा तीव्र प्रयोग किया जाता है। पूर्वी, इसमें रे और धा कोमल और मा तीव्र प्रयोग किया जाता है। तोड़ी, इसमें रे और गा, माफ़ कीजिएगा, रे गा धा कोमल और मातीव्र लगाया जाता है। जिस तरह से यहाँ थाट के बारे में आपको बताया गया है, उसको आप अपने हारमोनियम पर या किसी इंस्ट्रूमेंट की ऐप को डाउनलोड करके उसमें बजा कर देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। हर थाट में नियम के साथ कैसे स्वर बदल रहे हैं ये जानकर आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा और आगे जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं आरोह और अवरोह की। आरोह और अवरोह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में बहुत ही महत्वता रखते हैं। स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम सारे गामा पादा नी सा, ये आरोह कहलाता है, और उतरता हुआ क्रम सा नी दा पा मा गा रे सा, ये अवरोह कहलाता है। ये तो हुआ आसान तरीका इनको पहचानने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी आरोह में जाते हुए स्वरों के साथ साथ उतरते हुए स्वर भी गाए जाते हैं, जैसे राग केदार। आरोह में सा मा मा पा धा पा नी धा सा, इसमें धापा और नीधा अवरोह जैसे स्वर हैं, फिर भी ये आरोह में रखे गए हैं। ऐसे बहुत से राग हैं जिनमें ऐसा चलन दिखाई देता है। तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि राग के चलन के अनुसार चढ़ते हुए क्रम को आरोह और राग के चलन के अनुसार उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। राग में आरोह अवरोह उस राग के सुरों के बारे में बताता है और उससे हमें पता चलता है कि ये किस राग के आरोह अवरोह हैं। बिल्कुल ऐसे ही रागों को पहचानने का सबसे बड़ा काम करता है पकड़। वह छोटे से छोटा स्वर समूह जिससे किसी एक राग के बारे में पता चलता है, उसे हम पकड़ कहते हैं। जैसे जैसे आप राग सीखेंगे, वैसे वैसे आप किसी भी गाने के स्वरों को बताने और उनको समझने में सक्षम हो जाएंगे। पकड़ अगर आपको पता है किसी राग की, तो आप आसानी से उस राग के बारे में बता सकते हैं कि ये राग कौन सा है। अलाप, राग के स्वरूप के अनुसार विलंबित स्वर विस्तार, मतलब आराम से स्वरों पर ठहर कर गाने की विधा को अलाप कहते हैं। अलाप आकार में नोमतोम में भी गाया जाता है। नोमतोम का अलाप अधिकतर ध्रुपद धमार में गाया जाता है, जो कि हम आगे सीखेंगे, आगे जानेंगे ध्रुपद धमार क्या होता है। और आकार का अलाप ख्याल में किया जाता है, गीत के बीच बीच में भी किया जाता है। जैसे हम कोई गाना गाते हैं, उसके बीच में हम आ में स्वरों को बांध के उसको और ब्यूटीफुल बना देते हैं। वर्जित स्वर, जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं होता वह वर्जित स्वर कहलाते हैं। तान, राग के स्वरों को द्रुत या तेज गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। अलाप और तान में सिर्फ और सिर्फ गति का अंतर होता है। अलाप में हम धीरे धीरे गाते हैं, तान में हम फास्ट फास्ट स्वरों को एक साथ लेकर तान में तब्दील कर देते हैं। लय, संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं, जिसे हम टेम्पो या बीपीएम बीट्स पर मिनट भी कहते हैं। ताल, बहुत सारी मात्राओं के विविध समूह को ताल कहते हैं, यानी बीट्स जो एक साइकिल या लूप में होती रहती है,
एक बीट चलती रहती है, उस पर हम गाना गाते हैं। ख्याल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वह प्रकार जिसमें अलाप तान आदि विभिन्न लयकारियों का पालन करते हुए अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, उसको ख्याल कहते हैं। छोटा ख्याल, ये मध्य और द्रुत गति में गाया जाने वाला ख्याल है। जैसे हम आगे राग सीखेंगे, आपको उस वक्त बताया जाएगा कि ये छोटा ख्याल है और ये बड़ा ख्याल है। तिहाई, जब कोई बोल तीन बार दोहराया जाए और ताल का आखिरी ध सम पर आए तो उसे तिहाई कहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई गाना एंड हो रहा होता है, मोस्टली क्लासिकल, तो उसमें तिहाई पर तिहाई देकर उस गीत को या उस ख्याल को, उस छोटा ख्याल को हम ख़त्म करते हैं, तो वो ढा पर ख़त्म होता है। ये परिभाषाओं का लेसन बनाने का प्रमुख कारण ये है कि रियाज टीवी टीम ये चाहती है कि आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में जानें, गाएं और आगे लोगों में विस्तार करें। थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दोनों का समावेश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बनाता है। थ्योरी जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। तो इन परिभाषाओं के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि आप इनको ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें और उसके बाद आप अपना रियाज़ करें। सही तरीके से सीखिए, सही तरीके से नॉलेज को गेन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।